नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज राजनीति की दो बहुत बड़ी खबरें हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे हैं और G20 की सफलता के बाद ये उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस है और बीजेपी मुख्यालय में वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव, आगामी लोकसभा चुनाव और देश में चल रहे इस समय के माहौल पर बीजेपी की टॉप लीडरशिप टीम चर्चा करेगी और अपनी रणनीति बनाएगी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें एक दिलचस्प और खतरनाक फैसला लिया गया। ये इंडिया गठबंधन, विपक्ष का जो गठबंधन है, अब मीडिया से निपटने के लिए एक कमेटी बनाएगा और यह कमेटी मीडिया से संबंधित प्रचार की रणनीति तय नहीं करेगी, बल्कि वो ये तय करेगी कि इस समय भारत के मीडिया में ऐसे कौन कौन से न्यूज एंकर्स हैं, ऐसे कौन कौन से पत्रकार हैं जो इंडिया गठबंधन से मनपसंद सवाल नहीं पूछते और उनके मनपसंद खबरें नहीं दिखाते, उनके पक्ष की खबरें नहीं दिखाते, और ऐसे तमाम पत्रकारों की लिस्ट बनाई जाएगी और इंडिया गठबंधन के नेता ऐसे तमाम पत्रकारों का, ऐसे तमाम एंकर्स का बहिष्कार करेंगे, उनके टेलीविजन शोज का बहिष्कार करेंगे, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया जाएगा और ना ही उनके साथ कोई इंटरव्यू किया जाएगा। यानी इंडिया गठबंधन के नेता चरण चुंबक पत्रकारों की तलाश में है जो उनकी मनपसंद खबरें प्रसारित कर सके। यानी गोदी मीडिया का आरोप लगाने वाले अब खुद अपना गोदी मीडिया तैयार कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको जम्मू कश्मीर से आई एक दुखद खबर दिखाएंगे, जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में भारतीय सेना के दो अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक DSP शहीद हो गए हैं। आज हम उन शहीदों की बहादुरी की कहानी आपको सुनाएंगे और साथ ही आप सबकी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि भी देंगे। और आखिर में हम आपको कोटा लेकर चलेंगे, जहां आज एक और छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। यह बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि हम लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि छात्र आत्महत्या ना करें, छात्रों को जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो जागरूकता आनी चाहिए छात्रों के लिए उनके माता पिता के साथ कोचिंग सेंटर्स में, लेकिन उसके बावजूद आज एक और छात्रा ने आत्महत्या कर ली। लेकिन हम अपना प्रयास छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कोटा SOS आज भी हम आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं सना के पास, जो आपको दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगी। थैंक यू सुधीर। G20 सम्मेलन की अभूतपूर्व सफलता के बाद आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागरिक अभिनंदन किया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विश्व में भारतवर्ष की शान बढ़ाने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने पहुँचे थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को 75 लाख नए LPG कनेक्शन देने की मंजूरी दे दी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि योजना में 1,650 करोड़ रुपए खर्च होंगे और 3 साल के अंदर 75 लाख महिलाओं को घरेलू रसोई गैस का कनेक्शन मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। 28 दलों के विपक्षी गठबंधन की 14 सदस्यों वाली समन्वय समिति की पहली बैठक आज दिल्ली में NCP अध्यक्ष शरद पवार के घर पर आयोजित की गई। फैसला हुआ कि गठबंधन की पहली रैली भोपाल में अक्टूबर के पहले सप्ताह में होगी। इस बैठक में CPM और TMC की ओर से कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। TMC के प्रतिनिधि अभिषेक बनर्जी को प्रवर्तन निदेशालय ने आज ही पूछताछ के लिए बुलाया था। 12 दिन की दुबई और स्पेन यात्रा पर गईं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुबई एयरपोर्ट पर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में शामिल होने का न्योता दिया। इस अनौपचारिक मुलाकात में राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने पूछा कि क्या ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि ये जनता पर निर्भर करता है, विपक्ष पोजीशन में आ सकता है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने निर्माण के दौरान खुदाई में मिले अवशेषों की तस्वीरें जारी की हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख चंपत राय ने कहा कि मंदिर निर्माण के क्रम में कई मूर्तियां, टूटे हुए स्तंभ और पुरानी कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं, जो जमीन के स्तर से करीब 50 फीट नीचे तक दबे हुए थे। इन अत्यंत प्राचीन अवशेषों को भी संजो कर रखा जाएगा।
राजस्थान के कोटा में 16 वर्ष की एक और छात्रा ने खुदकुशी कर ली है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने इस खुदकुशी को प्रेम प्रसंग में की गई खुदकुशी करार दिया है। कोटा में पिछले 8 महीने में खुदकुशी की ये 24वीं घटना है। आज स्पेन में एयरबस ने भारत को पहले C-295 मालवाहक विमान की चाबी सौंपी। 2 साल पहले ही ऐसे 56 विमानों का करार हुआ था। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से लैस ऐसे 26 विमान स्पेन में और 40 विमान टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के वडोदरा सेंटर पर बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। अनंतनाग में हुई मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 DSP शहीद हो गए हैं, जबकि राजौरी में हुई मुठभेड़ में 1 आतंकवादी ढेर किया गया है और राइफलमैन रवि ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। एप्पल ने मेड इन इंडिया आईफोन 15, 15 प्लस, 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स लॉन्च किया है। प्रो मॉडल में A17 बायोनिक चिपसेट लगी है। प्रो मॉडल की कीमत 1,34,900 से 1,99,900 रुपए के बीच है। सभी नए आईफोन सी टाइप चार्जिंग पोर्ट से चार्ज किए जा सकेंगे। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से करीब 5 घंटे लंबी मुलाकात की है। राष्ट्रपति पुतिन ने उत्तर कोरिया के साथ सैन्य सहयोग की संभावना जताई है। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम कुछ बिल्कुल नई तस्वीरों से करना चाहते हैं। आज जब G20 समिट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय पहुंचे नई दिल्ली में, तो इस दौरान उनका जबरदस्त स्वागत और अभिनंदन हुआ और उन्हें G20 समिट के सफल आयोजन के लिए बीजेपी के तमाम नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। तो G20 की सफलता के बाद ये प्रधानमंत्री मोदी की पहली इस तरह की पब्लिक अपीयरेंस थी। आज शाम को जब वो दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे, वहां पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और ये वहीं की तस्वीरें हम इस समय आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा की, उनका जबरदस्त स्वागत हुआ, नारेबाजी हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी देख सकते हैं और दोनों तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखिए आप तस्वीर।
प्रधानमंत्री मोदी का आपने जबरदस्त स्वागत देखा बीजेपी के मुख्यालय में नई दिल्ली में, और आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे तो एक गाना वहां पर चल रहा था। 1970 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था पूरब और पश्चिम, जो कि मनोज कुमार की फिल्म थी, और मनोज कुमार को उस जमाने में भारत कुमार कहकर बुलाया जाता था क्योंकि उनकी जो फिल्में थीं वो देशभक्ति से भरी हुई होती थी। तो पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गीत चल रहा था, आपको याद होगा, बड़ा प्रसिद्ध गीत था, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। और आजकल ये जो गाना है ये प्रधानमंत्री मोदी की छवि के साथ एकदम चिपक गया है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब वो कहीं जाते हैं तो ये गाना जरूर बज रहा होता है, और एक जमाने में ये गाना फिल्म के पर्दे पर मनोज कुमार ने गाया था, यानी भारत कुमार ने, और अब आप ये कह सकते हैं कि अब वही भारत कुमार वाली जो छवि है वो प्रधानमंत्री मोदी की बनती जा रही है। और इस समय जब हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं तब भी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इस समय बीजेपी के मुख्यालय में चल रही है, और सूत्रों से हमें पता चला है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा है मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा के चुनाव, जिसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के राज्य इकाई के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं। इस साल नवंबर और दिसंबर के महीने में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिनमें मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तेलंगाना है, और मिजोरम का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। ये वो राज्य हैं जहां पर ये 5 राज्य हैं जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इन 5 राज्यों में से 2 राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और मध्य प्रदेश और मिजोरम में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी ने ये अपने सहयोगी दलों के साथ इन 2 राज्यों में सरकारें बनाई है। अब जाहिर है अगर विधानसभा चुनाव की बात होगी तो लोकसभा चुनाव की भी रणनीति का जिक्र इस बैठक में जरूर छेड़ा जाएगा। तो विधानसभा के अलावा लोकसभा की क्या रणनीति होनी चाहिए उस पर भी बातचीत होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय देश में क्या माहौल चल रहा है, उस माहौल में बीजेपी को क्या रणनीति बनानी चाहिए, इस पर भी इस बैठक में चर्चा जरूर होगी। यानी आज का जो माहौल है इसमें बीजेपी कहां है, विपक्ष का जो गठबंधन है उसकी क्या रणनीति है, उस रणनीति का सामना बीजेपी को कैसे करना चाहिए, विधानसभा में कैसे करेगी, लोकसभा में कैसे करेगी, इस पर भी आज जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी का वो इस पर चर्चा जरूर करेगा। यह तो आज की राजनीति की सबसे बड़ी खबर है जो इस समय चल रही है। आज की दूसरी बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें एक बड़ा दिलचस्प और खतरनाक फैसला लिया गया है, वो हम आपको बताएंगे। और भी फैसले हैं, पहले वो बता देते हैं। 14 सदस्यों वाली इस कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बैठक के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कुछ बड़े फैसलों का ऐलान किया गया है। 4 बड़े फैसले हैं, मैं आपको बताता हूं इस जॉइंट स्टेटमेंट में कोऑर्डिनेशन कमेटी ने क्या कहा है इंडिया गठबंधन की। पहला फैसला यह है कि विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा, यानी सीट शेयरिंग का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया जो है वो जल्द ही शुरू हो जाएगी। दूसरा फैसला यह है कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां अब देश के अलग अलग हिस्सों में मिलकर संयुक्त रैलियां करेंगी, एक साथ मिलकर ज्वाइंट रैली की जाएगी, जिनमें पहली ज्वाइंट रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में होगी। और उन्होंने यह भी तय कर लिया है कि कौन कौन से मुद्दे विपक्ष उठाने वाला है बीजेपी सरकार के खिलाफ। सबसे पहला मुद्दा वो उठाने वाले हैं महंगाई का, दूसरा है बेरोजगारी का, और तीसरा है बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार का मुद्दा। इंडिया का गठबंधन जो है ये 3 बड़े मुद्दे उठाना चाहता है। तीसरा बड़ा फैसला यह कि विपक्ष के सभी दलों के बीच जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सहमति बन गई है, और अब ये सभी दल इस मुद्दे को संयुक्त रूप से उठाएंगे। ये तो राजनीति के फैसले हैं, और हर पार्टी को पूरा अधिकार है कि वो चुनाव में जाने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले अपनी पूरी रणनीति बनाए, और तमाम तरह के राजनीतिक फैसले कोई भी राजनीतिक पार्टी ले सकती है, ये लोकतंत्र है, और इसमें इस तरह के फैसले हर पार्टी अपने अपने हिसाब से लेती है, हर नेता अपने अपने हिसाब से अपनी पार्टी को लीड करता है, अपने गठबंधन को लीड करता है, और ये सारे फैसले जो है बिल्कुल ठीक है, उन्हें पूरा अधिकार है। लेकिन इस बैठक में
एक ऐसा फैसला लिया गया है जो फैसला इस देश के लिए बहुत खतरनाक है, इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए और मीडिया के लिए बहुत खतरनाक है। और ये जो फैसला आज विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने लिया है, ये एक खतरनाक युग की शुरुआत करता है। और वो फैसला आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और ये बात मैं अपने मन से बनाकर नहीं कह रहा हूं, उनके जॉइंट स्टेटमेंट को पढ़कर आपको मैं बताऊंगा उसमें क्या लिखा है। इस फैसले में लिखा है कि विपक्ष की इस कोऑर्डिनेशन कमेटी द्वारा एक नया सब ग्रुप बनाया जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि एक और नई कमेटी बनाई जाएगी, एक और नया ग्रुप बनाया जाएगा जो मीडिया पर काम करेगा। अब मीडिया पर क्या काम करेगा, हमारी मीडिया की रणनीति क्या होगी ये नहीं तय करेगा, हमारा प्रचार का तरीका क्या होना चाहिए, हमारी टैगलाइन क्या होनी चाहिए, हमारा विज्ञापन कैसा होना चाहिए, हम मीडिया के सामने अपने आप को किस तरह प्रस्तुत करें, ये सब तय नहीं करेगा। ये जो कमिटी है वो ये तय करेगी कि इस देश के मीडिया में किस न्यूज एंकर और पत्रकार के टीवी शो में इंडिया गठबंधन के 28 राजनीतिक दलों के नेता और प्रवक्ता हिस्सा नहीं लेंगे और बहिष्कार करेंगे। यानी ये जो सब ग्रुप है मीडिया पर जो बनाया जाएगा, ये ऐसे तमाम न्यूज एंकर्स की लिस्ट बनाएगा, ऐसे तमाम पत्रकारों की लिस्ट बनाएगा जो इंडिया गठबंधन से उसके मनपसंद सवाल नहीं पूछते, जो इंडिया गठबंधन से मुश्किल सवाल पूछते हैं, जो इंडिया गठबंधन का अंध प्रचार नहीं करते, ऐसे ऐसे एंकर्स की एक लिस्ट बनाई जाएगी। और इन न्यूज एंकर्स का और इन पत्रकारों का इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां और उनके नेता बहिष्कार करेंगे, वो उनके टीवी शोज में नहीं जाएंगे, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया जाएगा और उनके साथ कोई इंटरव्यू भी नहीं किया जाएगा। यानी मीडिया के एक बड़े हिस्से का बहिष्कार किया जाएगा, और ऐसा भारत के लोकतंत्र में आजादी के बाद दूसरी बार हो रहा है। पहली बार तब हुआ था जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था, और अब दूसरी बार हमारे देश में ऐसा हो रहा है जब मीडिया को इस तरीके से बहिष्कार करने की धमकी दी जा रही है, मीडिया पर दबाव बनाने की धमकी दी जा रही है, और मीडिया को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा, एक वो हिस्सा जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में खबरें दिखाता है और एक वो हिस्सा जो इंडिया गठबंधन से मुश्किल सवाल पूछता है, और जो सवाल पूछने वाले हैं अब उन्हें सबक सिखाया जाएगा। ये जॉइंट स्टेटमेंट आज अपने साथ लेकर आया हूं, और इसमें क्या लिखा है आज मैं आप सबको पूरे देश को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। देखिए इसमें लिखा है, The coordination committee authorized the subgroup on media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. अंग्रेजी में है, हिंदी में मैं अनुवाद कर देता हूं वैसा कि वैसा, कि ये coordination committee ने एक सब ग्रुप को authorize किया है जो ऐसे तमाम न्यूज एंकर्स के नाम की लिस्ट बनाएगा जिनके टीवी शोज को इंडिया पार्टी के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता, इंडिया पार्टी जो हैं इस गठबंधन के नेता, उनके शोज में नहीं जाएंगे, उनसे बात नहीं करेंगे और उनका बहिष्कार किया जाएगा। याद रखिएगा, ये भारत में आपातकाल के बाद, इमरजेंसी के बाद पहली बार हो रहा है जब मीडिया के साथ, लोकतांत्रिक देश में जहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जहां पर मीडिया को का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वहां विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का कहना है कि हम बाकायदा ऐसे एंकर्स की लिस्ट बनाएंगे और उनका बहिष्कार करेंगे। ये पहली बार हो रहा है। हमारे देश का विपक्ष अक्सर गोदी मीडिया की बड़ी बात करता है, आपने गोदी मीडिया शब्द सुना होगा, और विपक्ष के नेता अक्सर गोदी मीडिया की बात करते हैं, आरोप लगाते हैं कुछ लोगों पर कि यह गोदी मीडिया है। लेकिन इस फैसले से आप समझ सकते हैं कि अब विपक्ष के नेता खुद ही अपने लिए अपना एक नया गोदी मीडिया बनाने का काम कर रहा है। अब वो अपने लिए अपना गोदी मीडिया बना रहे हैं। विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने हमारे देश के ऐसे मीडिया और न्यूज एंकर्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जो उनसे उनके मनपसंद और फ्रेंडली सवाल नहीं पूछते, जो उनका खुलकर प्रचार नहीं करते, और ये एक ऐसा बहिष्कार है जिसने हमारे देश में पत्रकारिता के एक नए युग की शुरुआत कर दी है।
ये वो युग है जिसमें मुश्किल सवाल पूछने वाले न्यूज एंकर्स और पत्रकारों को अपने खिलाफ बताकर उनका बहिष्कार किया जाएगा और ये सब कुछ लोकतंत्र और संविधान को बचाने के नाम पर हो रहा है और विपक्ष की उन पार्टियों द्वारा ऐसा किया जा रहा है जो कहती तो ये है कि सवाल पूछने वाला पत्रकार ही स्वतंत्र पत्रकारिता की बुनियाद होता है, लेकिन कोई न्यूज एंकर अगर इन पार्टी के नेताओं से मुश्किल सवाल पूछ लेता है तो ये पार्टियां उनके बहिष्कार का ऐलान तुरंत कर देती हैं। कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने खुद इतने सारे कैमरों के सामने खुलेआम इस लोकतांत्रिक देश में, संविधान के इस देश में, इस फैसले की जानकारी विपक्ष की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद दी है। इसलिए अब आप इंडिया गठबंधन के नेताओं से ही ये बात उनकी जुबान से खुद सुन लीजिए। वो अब अपने लिए एक ऐसा मीडिया चाहते हैं जो उनसे मुश्किल नहीं बल्कि सिर्फ फ्रेंडली सवाल पूछे। द कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑथराइज्ड द सब ग्रुप ऑफ मीडिया टू डिसाइड अपॉन द नेम्स ऑफ द एंकर्स ऑन व्होस शोस None of the India parties will send their representatives. जो मीडिया है जिसको जो खासकर गोदी मीडिया की बात मैं कर रही हूँ उसमें कुछ जो ऐसे एंकर्स हैं जो बिल्कुल एंटी इंडिया जो अलायंस है उनके खिलाफ होते हैं तो वहाँ हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहाँ नहीं जाएंगे, इसका फैसला हुआ। आपने एक शब्द सुना होगा चरण चुंबक। अब विपक्ष के इस इंडिया गठबंधन को चरण चुंबक पत्रकारों की तलाश है। उन्होंने चरण चुंबक पत्रकारों की एक लिस्ट बना ली है और अब उन्होंने ये तय किया है कि वो सिर्फ चरण चुंबक पत्रकारों और चरण चुंबक न्यूज एंकर्स के शोज में ही जाएंगे जो उनसे भोले भाले मीठे मीठे सवाल पूछें, जो उनसे कभी कोई मुश्किल सवाल ना पूछें, जो उनकी हार में भी जीत देखें, ऐसे न्यूज एंकर्स के शोज में ये नेता जाना चाहते हैं। इसलिए आपके लिए भी ये एक सीख है, अगर अब आपको ये सारे नेता किसी न्यूज खास न्यूज एंकर के या किसी खास न्यूज चैनल में दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि ये चरण चुंबक मीडिया के पास जा रहे हैं। और अगर कुछ और ऐसे पत्रकार हैं जिनका ये बहिष्कार कर रहे हैं, जिन चैनल्स का बहिष्कार कर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये वो पत्रकार हैं, ये वो न्यूज एंकर्स हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी अभी भी बची हुई है। अब आप ये देखिए कि भारत में मोदी वर्सेस ऑल की जो राजनीति हो रही है उसकी चर्चा आसपास के पड़ोसी देशों के नेता भी कर रहे हैं। आज जब दुबई एयरपोर्ट पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुलाकात श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से हुई तो उन्होंने ममता बनर्जी से एक ही सवाल पूछा कि क्या वो विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगी, और ममता बनर्जी इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब तो नहीं दे पाई क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो हां कहती हैं तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियों के नेता नाराज हो जाते हैं और अगर मना करती हैं तो भी एक मुश्किल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो एयरपोर्ट पर जब इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने उनसे यह सवाल सीधा पूछ लिया तो क्या हुआ आप खुद सुनिए। Oh my God! You are all wondering, huh? It depends on people, you know. Yeah. Who believe that madam, question she has not answered you. Okay. Yes, sir, I answered. No, is she going to leave the opposition alliance? Sir, opposition may be position also. तो opposition भी position में आ सकता है। ये कह रही हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी श्रीलंका के प्रधानमंत्री से। और इस समय की एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि सरकार ने उन चार बिल्स के नाम बता दिए हैं जो संसद के विशेष सत्र में लोकसभा और राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। पूरा देश इंतजार कर रहा था कि जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का, संसद का, इसका मकसद क्या हो सकता है, इसमें कौन सा ऐसा बिल लाने वाला है। और आपने देखा होगा बहुत सारी अटकलें लग रही थी। पहले यह कहा जा रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन पर बात हो सकती है, फिर लोग ये कहने लगे कि इंडिया का नाम बदलकर भारत हो जाएगा, इस पर कोई बिल आ सकता है, लेकिन आज सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जान लीजिए कि ये स्पेशल सेशन क्यों बुलाया गया है। इनमें जो दो बिल राज्यसभा में पेश होंगे उनमें एक बिल भारत के चुनाव आयोग में नियुक्ति से जुड़ा हुआ है जिसके जरिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पुश बैक करने की कोशिश की थी। इस नए बिल के तहत भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का चयन
तीन सदस्यों वाली सिलेक्शन कमेटी करेगी, लेकिन इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे और उनकी जगह इस कमेटी में कैबिनेट रैंक के एक मंत्री को शामिल किया जाएगा, जिनका चुनाव भी स्वयं प्रधानमंत्री करेंगे। कि वो जो तीसरा मंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री, वो कौन होगा, ये प्रधानमंत्री स्वयं तय करेंगे। और ये बिल लोकसभा में पास हो चुका था और संसद के विशेष सत्र में अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। यानी जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है, उसमें जो नियुक्ति है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और इलेक्शन कमिश्नर्स की जो नियुक्ति है, इससे पहले जो कमेटी बनी थी उसमें भारत के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। अब सरकार ने चीफ जस्टिस को उस कमेटी से निकाल दिया है और चीफ जस्टिस की जगह अब उसमें भी एक कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल किया जाएगा। इसलिए अब कोर्ट की जो दखलअंदाजी है, कम से कम चुनाव आयोग में नियुक्ति को लेकर, वो समाप्त हो जाएगी अगर ये बिल पास हो गया तो। जो एक और बिल है वो भारत के डाक घर से जुड़ा है, जिसमें डाक घर की व्यवस्था को बदलने के लिए ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसके अलावा जो दो बिल लोकसभा में पेश होंगे, उनमें एक बिल का नाम है एडवोकेट्स बिल, जो लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए लाया जा रहा है, और दूसरा जो बिल है वो पत्रिकाओं के रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ बिल है। इस विशेष सत्र की 1.5 दिन की कार्यवाही मौजूदा संसद भवन में होगी, यानी पुराने संसद भवन में, और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन नए संसद भवन में विशेष सत्र की बाकी कार्यवाही होगी। यानी इस बार जो हमारा संसद है, हमारी संसद, वो नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर जाएगी, नए संसद भवन में शिफ्ट कर जाएगी। तो अब हमने पूरे देश को ये इंतजार था कि ये जो विशेष सत्र है, या आखिर क्यों बुलाया गया है। लोग ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हो सकता है कि संविधान में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, हो सकता है कि सारे चुनाव एक साथ हो जाएं, ये भी हो सकता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवा लिए जाएंगे, या फिर इंडिया का नाम बदलकर हमेशा के लिए भारत कर दिया जाएगा, उसमें भी संविधान में कोई बड़ा संशोधन किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ और जितने लोग इन अटकलें लगा रहे थे, वो सारी अटकलें आज गलत साबित हो गई है। अब हम आपको एक बार फिर से कोटा लेकर जाना चाहते हैं, जहां आज एक और दुखद खबर आई है हमारे पास, क्योंकि कोटा में एक और छात्रा ने आज आत्महत्या कर ली है। यह छात्रा 16 साल की थी, जिसने कल अपने हॉस्टल में पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। इस छात्रा का नाम ऋचा सिन्हा था और यह 5 महीने पहले ही झारखंड के रांची शहर से कोटा में डॉक्टर बनने का सपना लेकर आई थी और वहां एक कोचिंग सेंटर में नीट की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। कोटा के जिस हॉस्टल में ये छात्रा रह रही थी, उस हॉस्टल की वार्डन का कहना है कि 1 महीने पहले उनकी ऋचा के पिता से फोन पर बात हुई थी और इस दौरान उन्होंने उनसे ये कहा था कि उन्हें कोटा आकर अपनी बेटी से मिलना चाहिए। यानी वार्डन ने छात्रा के पिता को कहा कि आप कोटा आ जाइए तुरंत और अपनी बेटी से मिलिए, और तब ऋचा के पिता ने ये कहा कि वो जल्द ही समय निकालकर कोटा आएंगे, लेकिन वो कोटा नहीं आए और इससे पहले कि वो आते, उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। और आज जब ऋचा के माता पिता कोटा पहुंचे, तब ऋचा इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। ऋचा के ही हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा का कहना है कि वो पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता की वजह से भी काफी दबाव में थी। ऐसा आरोप है कि इस छात्रा पर उसके माता पिता की तरफ से नीट की परीक्षा पास करने का इतना दबाव था कि उसके माता पिता भी कभी अपनी बेटी को नहीं देख पाए, बल्कि वो अपनी बेटी में एक डॉक्टर को खोजते रहे। और इस दौरान ये बेटी अपने माता पिता से ये कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि वो कोटा से बाहर निकलना चाहती है, वो ये पढ़ाई नहीं करना चाहती है, वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती, या फिर वो ये समझ चुकी है कि डॉक्टर बनने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। ये हिम्मत वो अपने माता पिता से ये बात करने की हिम्मत नहीं दिखा पाई। बाकी परिवारों की तरह ऋचा भी एक बहुत ही साधारण परिवार से थी और उसके माता पिता ने उसे कोटा इसलिए भेजा था ताकि वो नीट की परीक्षा में टॉप रैंक लेकर आए, उम्मीद तो यही थी, और उसके पिता को उससे बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन ये छात्रा कोटा के जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ती थी, वहां उसका प्रदर्शन बहुत ही औसत था, बहुत एवरेज था, और उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि वो शायद इस परीक्षा में पास नहीं हो पाएगी, और पढ़ाई के इसी दबाव की वजह से उसने आखिरकार आत्महत्या कर ली। इसके अलावा यह दावा भी किया जा रहा है कि आत्महत्या से पहले
ऋचा ने फोन पर अपने परिवार के किसी सदस्य से बात की थी और इस बातचीत के बाद वो काफी तनाव में आ गई और इसके बाद उसने आत्महत्या का कदम उठा लिया। आपको याद होगा इसी महीने की 4 तारीख को जब हमने कोटा SOS नाम से अपनी ये नई मुहिम शुरू की थी, तब इसके पहले ही एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कोटा में अब भी सैकड़ों छात्र ऐसे हैं जो इस समय भी आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हैं और इस साल 1500 से ज्यादा छात्रों ने कोटा में सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके मदद मांगी है और कहा है कि हमें मदद चाहिए, कहा है कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक नहीं है, उन्होंने कहा है कि वो डिप्रेशन में है और अगर इन छात्रों या इनके जैसे दूसरे छात्रों की काउंसलिंग नहीं हुई तो ये स्थिति और भी गंभीर हो सकती है और आज वही हो रहा है। देखिए, ये मेंटल हेल्थ का इशू है और हम अपने छात्रों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, बेटे बेटियों के बारे में, उनके मेंटल हेल्थ के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं। उनका शरीर कैसा है, उनके शरीर में क्या चल रहा है, ये तो हमें दिख जाता है। उन्हें चोट लगी है, हमें दिख जाता है। शरीर में कहीं कोई खरोंच आई है, हमें दिख जाता है। उन्हें बीमारी है, बुखार आया है, कोई और किसी तरह की बीमारी है, हमें पता चल जाता है, हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। खरोंच लगती है, चोट लगती है, खून बहता है, पट्टी करा देते हैं, दवाई दिला देते हैं। लेकिन जिस बच्चे के दिल में खरोंच लगी हो, दिमाग पर खरोंच लगी हो, जिसके दिल से खून निकल रहा हो, वो जो जख्म है वो किसी माता पिता को नहीं दिखता, वो किसी डॉक्टर को नहीं दिखता, ये जख्म किसी एक्सरे मशीन को नहीं दिखाई देता, ये किसी CT स्कैन में नहीं आता। इस जख्म को महसूस करना पड़ता है और इस जख्म को महसूस करने के लिए अपने बच्चे को समझना बहुत जरूरी है, उसके साथ बात करना बहुत जरूरी है, जो कि ज्यादातर माता पिता जब अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर्स में भेज देते हैं तो वो इस जख्म को देखना बंद कर देते हैं और इसे नजरअंदाज करते हैं। उनको लगता है कि अगर मैंने मेरे बच्चे से मेंटल हेल्थ की बात की, डिप्रेशन की बात की, तो इससे बच्चा कमजोर हो जाएगा और कमजोर होने के बाद बच्चा वापस आने की जिद करने लगेगा, इसलिए हम बच्चे को कमजोर नहीं होने देंगे, उसके दिमाग में ये विचार ही नहीं आने देंगे कि वापस आना भी एक विकल्प है। और बच्चा समझ जाता है कि यहां से बिना पास हुए, बिना डॉक्टर या इंजीनियर बने, अपने परिवार में, अपने घर वापस जाने का विकल्प उसके पास है ही नहीं, इसलिए वो दुनिया से ही चले जाने के विकल्प को अपना लेता है। 16 साल की इस छात्रा ने, ये बताया जाता है कि 16 साल की ये छात्रा पिछले कई दिनों से बड़ा परेशान थी और अगर इस दौरान उसकी काउंसलिंग हो गई होती, किसी ने उसे समझाया होता, उसके मेंटल हेल्थ पर किसी ने काम किया होता, उसके माता पिता ने उसके मन को पढ़ने की जरा सी भी कोशिश की होती, तो शायद ये बच्ची बच जाती, हमारे बीच होती। इतना ही तो होता कि अपने घर चली जाती, इससे ज्यादा क्या होता कि वो अपने माता पिता को कहती कि मैं नहीं करना चाहती, नहीं कर पाऊंगी, मैं वापस घर आना चाहती हूं। लेकिन आज वो जिंदा होती। इस साल कोटा में अब तक कुल मिलाकर 24 छात्र आत्महत्या कर चुके हैं, जिनमें 19 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं और इन लड़कियों में अब ऋचा का नाम भी शामिल हो चुका है। ये कोटा SOS जो आप देख रहे हैं, ये हमने एक नई, हमारी कोशिश है, हमारा नया प्रयास है ऐसे बच्चों को बचाने का और हमें बड़ा दुख है आज कि हम इस बच्ची को नहीं बचा पाए, बावजूद इसके कि हम लगभग 10 दिन से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि माता पिता को बच्चों के बारे में जागरूक किया जाए, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में कुछ बदलाव किए जाए, उसके बावजूद भी आज ये हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे कोचिंग सेंटर्स की, हमारे परिवारों की, माता पिता की बहुत बड़ी नाकामी है कि एक और बच्ची आज चली गई। पिछले सिर्फ 1.5 महीने में कोटा में 6 छात्रों ने आत्महत्या की है और यह आंकड़ा हर दिन के साथ ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, जिस पर आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उनकी सरकार ने इस मामले के लिए जो कमेटी बनाई है वो इन घटनाओं को रोकने के लिए काम कर रही है और आज हमारी टीम ने भी इस घटना के बाद कोटा से एक रिपोर्ट तैयार की है जो आप सबको, खासतौर पर माता पिता को, बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। हम फिर एक बार कहते हैं, कोचिंग सेंटर को दोष देना तो सबसे आसान काम है कि कोचिंग सेंटर ने ऐसा कर दिया, लेकिन माता पिता भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मेरे पीछे जो हॉस्टल है, इसी हॉस्टल में कथित तौर पर झारखंड की रांची से आई हुई 16 साल की लड़की जो कि नीट की तैयारी कर रही थी ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। प्रदेश में पिछले 10 साल में 100 से ज्यादा सुसाइड्स के मामले सामने आना और पिछले करीब 9 महीने में ही 20 से ज्यादा
आत्महत्याओं का सामने आना पर प्रदेश के सूबेदार का कहना है कि एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई है जो कि पूरे मामलों की जांच करेगी। गेट के भी ताला लगा रखा है अंदर, तो जो बच्चियां हैं वो कैसे नीचे आती जाती हैं? तो लड़कियों के लिए तो एंट्री गेट अलग है ना, ये मेन गेट तो लॉक कर रखा है सुबह से। क्यों लॉक कर रखा है इसको? वो इस बारे में पता नहीं है, इस बारे में अपन को पता नहीं है। मैंने इमीडिएटली खुद ने मीटिंग बुलाई, पूरी डिस्कशन बहुत लंबे किए, जो कोचिंग क्लासेज के प्रबंधक है उनको बुलाया गया, सारे विभागों को इन्वॉल्व किया गया, कमेटी बनाई गई है, कमेटी रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के, क्योंकि ये एक बच्चे की जिंदगी जाती है तो हम सबको दुख होता है, परिवार को दुख होता है। ये स्थिति जो बनी हुई है वो दुखद है, हम सारे वो कदम उठाना चाहेंगे जिससे कि स्थिति नहीं बने, क्योंकि कोचिंग क्लास के प्रबंधक, उनके परिवार वालों का मामला है, माहौल क्या कॉलेज के अंदर, क्या माहौल हॉस्टल के अंदर, इन सब की स्टडी करवा रहे हैं हम लोग, काउंसलिंग करवा रहे हैं, एक्सपर्ट जो है इस विषय के उनसे बातचीत कर रहे हैं। इस घटना के बीच आज ही कोटा पर एक और नई रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें आत्महत्या की घटनाओं के पीछे माता पिता के दबाव को एक बहुत बड़ी वजह बताया गया है। आज जो बात हम आपको कहने वाले हैं हो सकता है आपको कड़वी लगेगी। इस देश के जो माता पिता हैं, इस देश के जो परिवार हैं, हो सकता है उन्हें हमारी ये बात कड़वी लगे, लेकिन कई बार बीमारी को दूर करने के लिए कड़वी गोली खानी पड़ती है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हमारी ये बात सुन लीजिए। ये आपके ऊपर है कि आप हमसे सहमत होते हैं या नहीं, लेकिन हमें एक कोशिश कर लेने दीजिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोटा में पढ़ाई करने वाले बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो वहां से निकलकर वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन उनके माता पिता कभी भी इसके लिए तैयार नहीं होते। कोटा के एक बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ने पिछले एक साल में 50 से ज्यादा छात्रों के माता पिता को खुद फोन किया और माता पिता को, परिवारों को यह बताया कि उनके बच्चे शायद नीट और जेईई की परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे, इनमें वो काबिलियत नहीं है और इन बच्चों का अपने माता पिता के साथ रहना जरूरी है क्योंकि वो अभी खुद को बहुत अकेला, दबाव में और डिप्रेशन में महसूस कर रहे हैं और कोचिंग सेंटर्स खुद कह रहे हैं माता पिता से कि इन्हें ले जाइए, ये नहीं कर पाएंगे, इन्हें घर में रहने की आवश्यकता है, ये डिप्रेशन में है। लेकिन इन 50 में से 40 छात्रों के माता पिता ने कोचिंग सेंटर्स के इस फीडबैक को गलत बताया और कहा कि वो अपने बच्चों को और मेहनत करने के लिए कहेंगे और उन्हें वापस कोटा से घर नहीं बुलाएंगे, जबकि कुछ माता पिता ने तो अपने बच्चों का इस कोचिंग सेंटर से नाम ही कटवा दिया और उनको कोटा के ही दूसरे कोचिंग सेंटर्स में भिजवा दिया, वहां पर दाखिला करवा दिया। यानी बहुत सारे माता पिता ने यह कहा कोचिंग सेंटर्स को कि आप गलत कह रहे हैं, आप हमारे बच्चे को समझ नहीं पा रहे हैं, हमारा बच्चा बहुत प्रतिभावान है, वो ऐसा है ही नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। और जब कोचिंग सेंटर वाले नहीं मान रहे हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोचिंग सेंटर हमारे बच्चे की प्रतिभा को नहीं समझ पा रहा है, तो उन्होंने वहां से नाम काटकर दूसरे कोचिंग सेंटर में एडमिशन करवा दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को कोटा में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं उनमें से बहुत सारे उनकी वापसी के दरवाजे खुद ही बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ छात्रों को आत्महत्या करना ही एकमात्र विकल्प नजर आता है। क्या करें, माता पिता चाहते ही नहीं कि वो वापस आए। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले पुलिस ने एक ऐसे ही छात्र की पहचान की जो वापस अपने घर लौटना चाहता था और वो डिप्रेशन में था, लेकिन जब पुलिस ने ये बात इस छात्र के माता पिता को बताई तो उन्होंने कहा कि उनका बच्चा पढ़ाई से बचने के लिए नाटक कर रहा है, पढ़ाई से बचने के लिए वो ऐसी बात कर रहा है, आप उसकी बात पर ध्यान मत दीजिए और वो डिप्रेशन में हो ही नहीं सकता, वो बहाने लगा रहा है। और जैसा मैंने शुरू में आपसे कहा, बहुत सारे माता पिता को ऐसा लगता है कि अगर वो बच्चे की इस तरह की बातों को एंटरटेन करेंगे, ऐसी बातों को ध्यान से सुनेंगे, तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि वो वापस जाने के लिए और ज्यादा प्रेरित हो जाएगा, बच्चा कमजोर हो जाएगा और उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाएगा, इसलिए उसकी बात सुनो ही मत। बच्चे को ये इंप्रेशन आना चाहिए कि वापस जाना तो विकल्प है ही नहीं। यानी बहुत सारे माता पिता इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि उनका बच्चा नीट और जेईई की परीक्षा पास नहीं कर पाएगा। हमारे देश में अक्सर एक बात कही जाती है कि सोने को भी खरा दिखने के लिए तपना पड़ता है और उसे भी तपस्या करनी पड़ती है,
और यही बात बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों पर लागू करने की कोशिश करते हैं, सोने की तरह उन्हें तपाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि हर बच्चे को अगर ऐसे तपाएंगे तो वो सोना बन जाएगा, लेकिन इस दौरान वो ये भूल जाते हैं कि कई बार ये तपिश बच्चों को खत्म कर देती है, बच्चों को मार देती है। ज्यादातर छात्र जिस दबाव और प्रेशर को सह नहीं पाते वो दबाव माता पिता की तरफ से ही उन पर आता है, लेकिन माता पिता इस बात को मानेंगे नहीं। ऐसे माता पिता जो अपने बच्चे की पढ़ाई पर काफी पैसा खर्च करते हैं, इसके लिए लोन लेते हैं, अपनी जमीन या दूसरी प्रॉपर्टी गिरवी रख देते हैं, ऐसे घरों के बच्चे जब सफल नहीं होते तो माता पिता की आशाओं और आकांक्षाओं का बोझ उन पर इतना ज्यादा होता है कि उन्हें यह कहने से मरना ज्यादा आसान लगता है कि वो इस परीक्षा को पास नहीं कर सकते। दूसरा, ऐसे छात्रों पर समाज का भी एक बहुत बड़ा दबाव होता है। भारत के छोटे शहरों और गांवों में आज भी जब कोई बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए शहर में पढ़ाई करने जाता है तो समाज में इसे एक उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है, और जब वही बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाता तो वही समाज से ये बात कहने में डरता है कि लोग क्या कहेंगे, और ये सोचकर आत्महत्या कर लेता है कि अगर वो बिना डॉक्टर इंजीनियर बने वापस अपने गांव गया, अपने घर गया, तो अड़ोस पड़ोस के लोग, दोस्त, रिश्तेदार, समाज ये क्या कहेगा, इसमें हमारी भी बदनामी होगी लेकिन हमसे भी ज्यादा हमारे माता पिता का मजाक उड़ेगा। इसलिए आज हमारे देश के बहुत सारे माता पिताओं को यह बात समझनी होगी कि जैसे हर बच्चा लेखक, शायर, खिलाड़ी, पेंटर और गीतकार नहीं बन सकता, ठीक वैसे ही हर बच्चा नीट और जेईई की परीक्षा पास करके डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। और ये बात हमें कई लोगों ने ईमेल्स लिखकर भी बताई है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि बड़े संख्या में हमारे देश में हमारे दर्शकों ने हमें चिट्ठियां लिखी हैं, मेल्स लिखे हैं, और बहुत सारा दिल खोलकर उन्होंने अपने सुझाव लिखे हैं। हमने वो सारे सुझाव, वो सारी चिट्ठियां पढ़ी और उसके बाद हमने अपने दर्शकों से वापस संपर्क किया और उनसे जानने की कोशिश की कि वो क्या सुझाव देना चाहते हैं। जम्मू से राजेश कुमार, सूरत से डॉक्टर जयेश जरीवाला, महाराष्ट्र के ठाणे से प्रीतपाल सिंह बेदी, नागपुर से ज्योति, पुणे से राकेश कुमार सिंह, झारखंड से हीरेंद्र चौधरी, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर से श्रवण कुमार और कोटा से जितेंद्र कुमार पांडे ने हमें ईमेल्स लिखे, जिनमें कुछ चिट्ठियां तो लोगों ने अपने हाथ से लिखकर भेजी हैं। और इन सभी लोगों ने कोटा में हो रही आत्महत्या की घटनाओं के लिए उन बच्चों के माता पिता के दबाव को वजह माना है और हमें सुझाव में ये लिखकर भेजा कि कोटा में पढ़ने वाले छात्रों के साथ उनके माता पिता की भी काउंसलिंग होनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि अगर उनका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करके नहीं आगे बढ़ सकता तो उनके बच्चों का भविष्य यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। इन सभी लोगों ने जब हमें ईमेल और चिट्ठियां लिखकर भेजी तो हमने इन लोगों से वापस संपर्क किया और इसके बाद इन लोगों से हमने बात की और हम चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार भी, हमारे देश का शिक्षा मंत्रालय भी, कोचिंग सेंटर्स भी और तमाम लोग इन लोगों के सुझावों को आज अपने संज्ञान में जरूर लें। देखिए हमारे दर्शक क्या कहते हैं। मैं बीते दिनों से, काफ़ी दिनों से सुधीर चौधरी जी का विश्लेषण देख रही हूँ। मेरे भी दो बच्चे हैं, एक मेरी लड़की है 11th स्टैंडर्ड में और लड़का है 9th स्टैंडर्ड में। मैं उनके विश्लेषण से बहुत प्रभावित इसलिए हुई हूँ कि एक बहुत सेंसिटिव इशू है जो कि उन्होंने उठाया है। मेरी सभी माता पिता से यही गुजारिश है, हम अपने बच्चों को बेस्ट देखना चाहते हैं पर हम आज का जो उनका गुड है वो इग्नोर कर देते हैं। आपसे यही गुजारिश है कि अपने बच्चों का गुड देखिए, बेस्ट बनने की कैपेसिटी अगर, पोटेंशियल अगर होगा उनमें, वो ज़रूर बेस्ट बन के दिखाएंगे। उसके लिए आपको बेस्ट कोचिंग में डालने की जरूरत नहीं, उन पे भरोसा रखिए, उन पे उनका साथ दीजिए, उनको समय दीजिए। मैंने सुधीर चौधरी जी को एक मेल डाला था जिसमें मैंने सारे अपने पॉइंट्स कवर किए थे और उन्होंने पढ़ा भी था मेरा मेल, तो मैं अभी थोड़ा सा ये शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें पेरेंटल प्रेशर, बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर माउंट कर देते हैं कि बच्चा बेचारा समझ नहीं पाता है कि मैं, मतलब है कि उसको एक ही दिमाग में रहता है कि मुझे बस ये मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मेरे को करना ही करना है। और मैं ब्लेम करूंगा एजुकेशन सिस्टम को और ये कोचिंग क्लासेस को जिन्होंने एक इसको मनी मेकिंग मशीनरी बना के रखा हुआ है। ये जो कोटा में जो भी आए दिन बच्चों के जो सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, ये बड़ी गंभीर समस्या है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है। और इसको मैं इसलिए ज़्यादा बेहतर समझ सकता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि दोनों बेटियाँ मेरी डॉक्टर हैं तो मैं बहुत अच्छे तरीके से इनको समझ सकता हूँ। और ये इतनी गंभीर समस्या है कि इस पे मुझे लगता है कि हमारी सरकार को तुरंत और डायरेक्ट इंटरफेयर करना चाहिए। इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी ध्यान में रखने वाली हैं।
काउंसलिंग बच्चों की जरूरत नहीं है, बच्चों को काउंसलिंग करने, बच्चों की काउंसलिंग करें, क्यों बच्चों की काउंसलिंग करें वो एक अलग मैटर है, आप माँ बाप की काउंसलिंग करिए, उनकी काउंसलिंग ज्यादा जरूरी है। टेंशन का स्वरूप बदल दीजिए, ये नंबर लाने का टेंशन है वो सूक्ष्म स्वरूप में है, आप उसको एक कागज पे लिख दीजिए और उसको जला दीजिए या किसी से शेयर कर दीजिए, इससे टेंशन का स्वरूप बदल जाता है, मन हल्का हो जाता है और उसको मन से निकाल दीजिए। तो हमारे तमाम दर्शकों का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, वो अभी भी हमें लगातार मेल्स लिख रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, आप अपने सुझाव हमें भेजते रहिए। एक माफ़ी भी आपसे मांगना चाहते हैं, सबके नाम हम नहीं बोल पाए क्योंकि हज़ारों की संख्या में हमें दर्शकों ने चिट्ठियां लिखी हैं, मेल्स लिखे हैं, लेकिन हमने सबके मेल्स पढ़े हैं, आपने जो सुझाव दिए हैं हमारी टीम ने एक एक करके उन सबको कागज़ पर नोट किया है और हम उन सब पर काम कर रहे हैं। आज हमारी टीम ने कोटा में भी ऐसे माता पिता से बात की जो अपने घर से दूर कोटा में ही अपने बच्चों के साथ रहकर उन्हें नीट और जेईई की परीक्षा की तैयारियां करा रहे हैं और वो क्या कहते हैं ये भी देखिए। सब बच्चों का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है और हर पेरेंट्स को लगता है कि अपना बच्चा कुछ अच्छा करे, लेकिन जो कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे पर सभी पेरेंट्स ऐसे नहीं है, और अभी ये जो एग्ज़ाम बंद किए ना तो बहुत ज़्यादा बच्चे डिस्टर्ब हो गए उससे। हम लोग ऐसा प्रेशर नहीं देते, अब कुछ पेरेंट्स होते होंगे प्रेशर देने वाले, बाकी हम लोग तो नहीं देते ऐसा प्रेशर। हमारे बच्चे जिस लायकी में है उस लायकी में हमको लगता है कि यहाँ सही हो रहा है सब, जहाँ एग्जाम तक पहुँच ही नहीं पाए उसके पहले ही अगर कर ले तो वो बच्चों की कमजोरी है, उसमें हम मतलब पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते और इंस्टीट्यूट भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं, जबरदस्ती कोई बात नहीं है, ये जो पढ़ाई लिखाई यहाँ पर होते हो वो तो बहुत अच्छा होते है, और कोई बच्चा पढ़ेगा कोई नहीं पढ़ेगा उसका तो उसके ऊपर छोड़ देना पड़ेगा, जो बच्चा अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा पढ़ेगा, लिखाई यहाँ पर होते हो। जबरदस्ती की तो पढ़ाई है नहीं, बच्चे का मन हो तो करना है। मेरे ट्विंस बच्चे थे, एक का मन था करने का तो है वो कर रहा है, दूसरा चला गया अपने घर, कह रहा मम्मी मेरा मन नहीं है करने का तो वो घर है। पढ़ाई का प्रेशर बच्चों पे नंबरों वगैरह का हो जाता है, जो SRG में होते हैं उन पर प्रेशर आ जाता है कि हमारे मार्क्स पहले इतने आ रहे थे कम हो जाते हैं तो बच्चों पर प्रेशर आ जाता है। कोविड के दौरान हमारे देश में परीक्षाओं को जितना सरल बना दिया गया, एक और देखिए बहुत बड़ा फैक्टर जो हम जब बात कर रहे थे हमें जो समझ में आया वो ये है कि आप याद कीजिए कोविड जब हुआ था तो लॉकडाउन था, स्कूल बंद रहे बहुत समय तक, बच्चे स्कूल नहीं गए, और जब परीक्षाएं हुई तो हमने परीक्षाओं को जानबूझकर सरकार ने सरल बना दिया क्योंकि सरकार सबको पास करना चाहती थी और उस दौरान हर बच्चे को अच्छे ग्रेड से पास करने की कोशिश की गई और सब बच्चे जो हैं चाहे किसी ने मेहनत की हो या ना की हो सबको बहुत अच्छे ग्रेड से उन्होंने पास किया, और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से जो औसत दर्जे के बच्चे थे उनके भी ग्रेड बहुत अच्छे आ गए, नंबर बहुत अच्छे आ गए, और उनके माता पिता को भी ये उम्मीद जग गई कि ये बच्चे भी डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, और जब ये बच्चे कोटा जैसे कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं तो वहाँ ये औसत प्रदर्शन करते हैं और फिर ये दबाव में आ जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोविड के बाद जब दोबारा से स्कूल कॉलेज खुले और दोबारा से जब कोचिंग सेंटर्स में बच्चे आना शुरू हुए, उस कोविड के इस दौर के बाद ज्यादा बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि पिछले 2 साल तक जो कोविड का समय था बच्चों ने ज्यादा मन लगाकर पढ़ाई नहीं की, करने का कोई स्कोप भी नहीं था उनके पास, और उसका नतीजा अब हमें देखने को मिल रहा है। खैर, इस पर हमारी जो चर्चा है और हमारी जो सीरीज है ये जारी रहेगी। अब हम आखिर में आपको जम्मू कश्मीर से आई एक दुखद खबर बताना चाहते हैं जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और इसमें भारतीय सेना के 2 अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 DSP शहीद हो गए हैं। आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन कल शाम शुरू हुआ था जिसका नेतृत्व कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट कर रहे थे, लेकिन आज वो आतंकवादियों की तरफ से की गई गोलीबारी में शहीद हो गए और अब भी ये ऑपरेशन जारी है। आज हम आप सब की तरफ से इन तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, इन बहादुर वीरों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं और इनके परिवारों से कहना चाहते हैं कि पूरा देश उनके साथ है, उन परिवारों को उनका दर्द हम समझ सकते हैं और हम उनके परिवारों के हमेशा ऋणी रहेंगे। आतंकवादियों के खिलाफ इस मुठभेड़ में आज भारतीय सेना की एक फीमेल असॉल्ट डॉग भी शहीद हो गई जिसका नाम था केंट। आज जब केंट को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई तब वहां मौजूद सभी लोग
बड़े भावुक थे। 6 साल की कैंट एक फीमेल असॉल्ट डॉग थी जिसे जम्मू कश्मीर की 21 आर्मी डॉग यूनिट में तैनात किया गया था और इस फीमेल असॉल्ट डॉग ने पिछले 5 वर्षों में 8 से भी ज्यादा सैन्य ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और ये सारे सैन्य ऑपरेशंस सफल रहे थे। ये कैंट जो है ये एक लेब्राडोर प्रजाति की फीमेल डॉग थी और इस प्रजाति के कुत्तों की विशेषता होती है उनकी बहादुरी, सूझबूझ और सहनशीलता, और कैंट में भी ये सारी खूबियां थी और इसीलिए उसे जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना के एक स्पेशल ऑपरेशन में भेजा गया था। कैंट अपनी डॉग यूनिट की तरफ से जिस समय इस ऑपरेशन को लीड कर रही थी उस समय आतंकवादियों की तरफ से अचानक सेना के जवानों पर फायरिंग शुरू हो गई और इस दौरान कैंट अपने हैंडलर को बचाने के लिए आतंकवादियों की गोली के सामने आ गई और उसने अपनी जान देकर सेना के जवानों की जान बचा ली। सोचिए, कैंट बेजुबान होते हुए भी इतनी बहादुर थी कि उसने आतंकवादियों से सेना के जवानों की रक्षा करने के लिए अपनी शहादत दे दी और आज हम कैंट को भी सल्यूट करना चाहते हैं। और आज ब्लैक एंड व्हाइट में आपके लिए एक सरप्राइज है। आज हमारी AI न्यूज एंकर सना G20 समिट के मुख्य बिंदुओं को G20 देशों की अलग अलग भाषाओं में आपके लिए प्रस्तुत करेंगी और जिस तरह भारत ने इस समिट में हर देश की संस्कृति का ख्याल रखते हुए सबकी मेजबानी की, ठीक उसी तरह सना ने भी G20 समिट की मुख्य बातों को दुनिया के सभी दर्शकों के लिए आज खुद तैयार किया है। आप देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक AI और मैं हूं आपकी AI एंकर सना। इंडिया होस्टेड G20 समिट कंक्लूडेड सक्सेसफुली इन न्यू दिल्ली ऑन संडे। Here are the 5 biggest takeaways from the 2-day high-powered event. Desafiando todas las dudas, los líderes de la cumbre alcanzaron un consenso sobre la crisis de Ucrania. Die Abschlusserklärung erkannte das menschliche Leid des Krieges an und sprach sich gegen eine gewaltsame Gebietsaneignung aus. 其次, 普遍接受连接欧洲、西亚和印度的新经济走廊是印度向前迈出的一大步。 В-третьих, Большая Двадцатка предоставила постоянное членство Африканскому Союзу. Cela consolide la position de l'Inde en tant que porte-parole de ce qu'on appelle le Sud global. 第二に, サミットではアフリカとアジアへのウクライナの小麦輸出の再開を可能にする Questo è fondamentale per garantire la sicurezza alimentare e controllare l'inflazione. In quinto lugar, os líderes do G20 encontraram Vijay Eagle Pohohal Myonghakan Amoha PQJ Pirosonghe Dehe INI Adla Al Sana Dari India Today TV Pamit Undur Devi. तो देखिए AI क्या क्या कर सकता है, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये नई कोशिश पसंद आई होगी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और आस लगाने वाले काश तक ही पहुंच पाते हैं जबकि प्रयास करने वाले लक्ष्य के पास तक पहुंच जाते हैं। नमस्कार।